कदे कदे मैं सोचू छू कि उ हादसा के बिना मारी जिंदगी अलग सी होती। पिताजी हमेशा खेओ छा। तूने भगवान ने अलग सो बनायो और सुंदर और खुशी और आनंद उसू ही मिले छे। मारा माता पिता की मृत्यु एक बस दुर्घटना में हुई छी। वहां का गुजरबा के बाद मारा दादा दादी ही मारो पालन पोषण कर्या छा। लोग खेवे छा कि मारो जन्म बुरी राशि में हुयो छे और उकी वजह से मारा माता पिता की मृत्यु हुई, लेकिन मन लागे छे कि या मारा पिछला जन्म का पापा को कर्म छे। मारा दादा दादी मारी शादी करार मार से छुटकारो पाबो चाओ छा। मारा ससुर जी मारी तरफदारी करे छा और मारो बहुत अच्छे से ध्यान रखे छा। मारी सासू मां चाओ छी कि मां वाना एक पोतो दियो। लेकिन मारी ननद मने पसंद कौन करे छी। मने लागे छे कि वह मार से जड़े छी। जासू मारी शादी हो वाली छी, वासा मना थोड़ी घबराहट होवे छी। जब से मारा ससुर जी बीमार पड़ा, मारा पति पर बहुत काम आ गयो कि वे परिवार की जरूरत पूरी कर सके और वहाँ पर बहुत बोझ आ गयो। मैं खुद का जीवन के लिए बहुत डर गई थी। मैंने पतो को नहीं कि मैं काय करूं। अगर मैं माँ बनती तो शायद वे खुश होता, पर मैं कौन बन सकी। घर में हमारा ससुर जी का अलावा मना कोई कौन समझे छो, और वे इतना बीमार छा कि वे बोल भी को नहीं पाओ छा। यो देखकर मारो दिल टूटे छो। मारी सासू माँ मना धमकी दिया करे छी कि अगर मारा लड़को कौन हुयो तो वे मना घर से बाहर निकाल देओली। मारा पड़ोस में एक दयालु औरत रहो छी। वह अक्सर मने चाय पर बुलाओ छी। उकी खुद की जिंदगी की बहुत सी मुसीबत होबा का बावजूद भी वह खुश नजर आओ छी।
मैं मारी सहेली प्रेमा से पूछी कि वह मारी जैसी औरत को इतना ध्यान क्यों रखा छे। वह मने बोली कि महाराज यीशु और वहाँ का चेला को यो मार्ग छे कि जो जरूरत में है वहाँ की मदद करा। वो बोली परमेश्वर आपरा सु प्रेम करे छे और आपा ने भी सबसे प्रेम करनो छे। मैं प्रेमा सु बोली कि वे मन महाराज यीशु के बारे में बतावे और वो मन बड़ी दया के साथ महाराज यीशु के बारे में बताई। वह मन यीशु महाराज का सत्संग में भी न्योतो दी जंड लोग यीशु महाराज का बारे में जान बुचाओ छा। अभी भी वह सत्संग का गुरुजी की आवाज याद छे। सतगुरु यीशु महाराज से भेजो गयो अनंत उजालो छे, जे भी विश्वास करो लो उका पापा और मौत की चक्र भी से बचाओ लो। उका अनुग्रह मान बासु सारी आलस की जिंदगी सुंदर हो जाओली। यही वो संदेश छो जिन्हें सुनवा ने मैं पूरी जिंदगी तरस की छी। ई प्रार्थना की बोली आपा न सिखाओ छे। हे यीशु महाराज मुने असत्य सु सत्य में ले चाल। हे भगवान मुने अंधेरा सु उजाला में और मौत सु अनंत जीवन में ले चाल। यीशु में अपनी प्रार्थना की पूर्ति कीचे। यीशु ही मार्ग सच्चाई और जीवन छे जो आपा ने मुक्ति दे छे। वे मने बताया कि आपा महाराज यीशु के द्वारा कोड़े भी और कदे भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सका छा। कोई भी सराहना के बगैर आपा माँ को अनुग्रह पा सका छा। और वे आगे बताया कि भगवान यो खुद चाहो छे कि आपा माँ को अनुग्रह अपनावा। वे मने प्रोत्साहित करया कि मैं महाराज यीशु ने खुद को गुरु बनाऊं और सिर्फ वहाँ की ही प्रार्थना और आराधना करूं। ऊ रात मैं महाराज यीशु से प्रार्थना करी कि वे मने सच्चाई को मार्ग बतावे, मने मुक्ति देवे और शांति से भर देवे। मैं यह जानकर बहुत चकित हुई कि मैं माँ बन वाली छू। यो जानकर मारो परिवार बहुत खुश हुयो और मैंने घर वापस लेगा। मरियम का यीशु लाडला सारे जगरा हो सारे जगरा तारन हार मारे घर आओ जी। हमें ईशु के तिलक हो क्या हाथा में ईशु के
बाकी पसली में बाकी पसली में भालो छिदाय हर घर आओ जी आओ आओ मारा ये शोराय हर घर आओ मना एक बच्ची पैदा हुई और मना उको चेहरो देखबो भी नसीब कौन हुयो। भारी बच्ची एक लड़की थी और ई जुर्म की वजह से उन्हें मरनो पड़ो। म्हारी सासू माँ म्हारी बच्ची ने मारबा को हुकुम दी छी। काई मवाना कभी माफ कर सकू छू मारा पहला बच्चा ने मारबा के लिया। काई मैं कभी खुद ना माफ कर सकू छू ई सब के लिया। नहीं मन कोई रास्तो कौन देख है ई पाप का दलदल सु निकलवाना। तूने भगवान ने अलग सो बनायो और सुंदर और खुशी और आनंद उसू ही मिले छे। महारा ससुर जी की तबीयत बहुत बिगड़ रही थी। डॉक्टर सूचित करया कि या रात निकालबो वहाँ के लिए मुश्किल छे। म्हारी सासू माँ म्हार पर दोष लगाई कि यो सब म्हारी वजह से हो रहो छे और वे मना भी मारबो चाहो छी जैया म्हारी बच्ची ने मारी छी। मन वहाँ पर बहुत तरस आओ छू। म्हारी ननद वहाँ का कड़वाहट भरा व्यवहार के लिया म्हार से माफी मांगी और वहाँ का पश्चाताप से बढ़र म्हारे लिया कोई खुशी कौन छी। मैं वहाँ ने बताई कि मैं ई लायक कौन छी। फिर भी महाराज यीशु म्हारा पापा ने क्षमा करया और मैं
खाका पापा ने क्षमा कर सकू छू। परमेश्वर आपना सु प्रेम करे छे और वैया मैं भी थाका सु प्रेम करू छू। मैं और मारी ननद मिलर प्रार्थना करया कि महाराज यीशु महारा ससुर जी ने जल्द से जल्द अच्छो कर दे। अगर यह दुर्घटना ना हुई होती तुम्हारी जिंदगी काई होती? अब उसे कोई फर्क कौन पड़े? यीशु बुरी से बुरी स्थिति न भी अच्छा में बदल सका है।